हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी, केंद्र सरकार किसकी बनेगी, वो भी जांच परख का विषय है। और अब की बार जो 400 पार का नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो जनता से जानेंगे कि क्या अब की बार 400 पार या ये नारा बेकार है। तो आइए जानते हैं, जो तमाम बस में सवारी बैठी है उनसे माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब की बार 400 पार का वो नारा बीजेपी का पूरा हो पाएगा या नहीं। किसकी सरकार अच्छी मानते हैं, कांग्रेस सरकार अच्छी? हमारे लिए तो कांग्रेस बढ़िया है। कांग्रेस बढ़िया थी, बीजेपी में क्या दिक्कत आपको महसूस? सारी दिक्कतें दिक्कतें हैं, क्या वो करें। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, 400 पार बीजेपी कर पाएगी? बीजेपी को अच्छा कैसे मानते हैं? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, बट बीजेपी होगी। आप क्या कहेंगे, बीजेपी अब की बार 400 पार कर पाएगी? बीजेपी तो कर पाएंगे, ये तो पता है। कौन सी सरकार अच्छी है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी अच्छा है। हाँ, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है, सभी सुविधा है इस सरकार में। पीछे जाने वाले दिनों में कुछ नहीं था, सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। लेडीजों ने सब कुछ इसी में मिला है, लोन्द भी मिले हैं बिगर उसके गारंटी के, बिगर किसी भी चीज के, और सिलेंडर भी मिले हैं, फ्री मिले हैं, और औरतों को जो भी इज्जत मिली है तो बीजेपी से मिली है, कांग्रेस में कोई इज्जत नहीं। फ्री चीजें तो आम आदमी पार्टी भी देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देती, ये सब वो फैलाते हैं खाली, बाकी कुछ नहीं करती, खाली बातें करते हैं। वादे सभी इसी ने, मोदी ने करे हैं, जो वादे किए हैं वो पूरे भी करे हैं। तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनेगी, बीजेपी आएगी अभी भी और आगे भी बीजेपी रहेगी। बेटा आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में, मौजूदा सरकार कैसी है, और अब जैसे चुनाव है तो क्या बीजेपी जीत पाएगी? हाँ बिल्कुल जीत पाएगी। कैसे, क्या है? हाँ, बहुत सारे काम है जो अच्छे किए गवर्नमेंट ने। अगर एजुकेशन लेवल की हम बात करें तो एजुकेशन पे क्या काम है, जानते हैं आप? अभी एजुकेशन पे अगर न्यू पॉलिसी आती है तो वो बेटर है ओल्ड वन से। यस, हमें ये है कि भाई एजुकेशन बर्डन नहीं रहेगा किसी बच्चे पे कि उसे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर उसे बायो पढ़नी है तो उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना हो। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आती है तो उस पर ऐसा कोई बर्डन नहीं है, वो बायो के साथ अपने कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपनी पसंद से। रोजगार पे क्या करेंगे? रोजगार पे तो अगर देखो स्किल्स हैं तो बंदा कुछ भी कर सकता है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे, आप कुछ नहीं कह सकता, हमने नौकरी मिल ली ना कि होता के कर सका छक्का पटे पटे सरकार में मां बता क्या करूं, मैं पढ़ रहा छक्का बता तो भी आड़ा तो क्यों हो रहा छक्का अंगाल आया बता ना, मेरे खातर तो सारी बरा ब्राह्मण बस पटरेट पढ़नी है और उनका गुजारा करना है। आप क्या कहेंगे भाऊजी इसके बारे में, सरकार कौन सी अच्छी, कौन सी सरकार अच्छी? सरकार कांग्रेस की अच्छी है, कांग्रेस। हाँ जी, तो ने जो 400 का नारा दिया वो पूरा, ये तो 100 भी ना हो, ये राहुल का भी झूठा भरम है जो 150-160 का है, 100 तो भी नीचे रहेंगे यही का। ये जो रोज माहौल बदली होने लग रहा है ये 100 तो भी नीचे रहेंगे, 100 भी ना हो इनकी पूरा हिंदुस्तान में। ठीक है भाई, आप क्या कहेंगे? ये जी 10-5 आदमी इकट्ठे हुए हैं, उड़े लू का है, इन्हें लिस्ट लगा देनी चाहिए और एक दफ्तर का आ गए, अब कोई सा काम कितने रुपया में होगा, ठीक है? मोदी इस राज में, तो मोदी राज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़िया ढाल फैल रहा है, कटी ओढ़ नहीं। आप क्या कहेंगे जैसे सरकार का? सर नो कमेंट्स, अच्छा कुछ कह नहीं सकती और बुरा कुछ कहना नहीं चाहती। सरकार कोई भी आए लेकिन ऐसी आए जो बच्चों को रोजगार दे, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन में। तो बीजेपी सरकार रोजगार नहीं दे पाती? देखो मैं किसी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, जो भी आए वो बच्चों को काम दे बस। भाऊजी आप क्या कहेंगे? भाई बात ऐसा है, हरियाणा में ऊपर तो मोदी चाहिए, अच्छा राजा है। किसकी सरकार को अच्छा मानते हैं, बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी थी? भाई
देखा जाए तो सरकार तो बीजेपी की ठीक है, मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ, किसकी सरकार अच्छी है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की। बीजेपी जैसे 400 पार का नारा भी दिया है, पूरा हो पाएगा? पता नहीं, ये तो हो पाएगा, पर वैसे सरकार अच्छी है, रोजगार दिए, शिक्षा भी। हाँ, शिक्षा दी। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में? सुरक्षा भी कम हुई है, अभी बढ़िया भी कर रखा है।